जय स्वामी नारायण। स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट संस्कारी भारत। पुस्तक 9, कवि नर्मद। कवि नर्मद का जन्म 24 अगस्त 1833 के दिन हुआ था। उस दिन को हम गुजराती विश्व दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कवि नर्मद जी के बारे में। गुजराती भाषा के युग प्रवर्तक माने जाने वाले रचनाकार नर्मद का जन्म सूरत के ब्राह्मण परिवार में 24 अगस्त 1833 को हुआ था। नर्मद के पिता लाल शंकर मुंबई के निवासी थे। उनका पूरा नाम नर्मद शंकर लाल शंकर दवे था, लेकिन रचनाएं उन्होंने नर्मद नाम से ही की है। उस समय की प्रथा के अनुसार 11 वर्ष के उम्र में ही नर्मद का विवाह हो गया था। सूरत की प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब वे मुंबई में अध्ययन कर रहे थे, तभी उनके ससुर के आदेश पर गृहस्थी संभालने के लिए उन्होंने वापस आकर सूरत में 15 रुपये मासिक वेतन की अध्यापन कार्य स्वीकार किया था। नर्मद ने 22 वर्ष की उम्र में पहली कविता लिखी थी। तब साहित्य के विभिन्न अंगों को समृद्ध करने का कर्म आरंभ हो गया। कुछ समय तक उन्होंने मुंबई में अध्यापक का काम किया। वह वहां का वातावरण अनुकूल न पाकर उसे त्याग दिया और 23 नवंबर 1858 को अपनी कलम को संबोधित करके बोले, लेखनी अब मैं तेरी गोद में हूँ। 24 वर्ष तक वे पूरी तरह से साहित्य सेवा में ही लगे रहे। पहले उनकी रचना के विषय ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि हुआ करते थे, पर हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में आरंभिक अंश को भारतेंदु युग संज्ञा दी जाती है। उसी प्रकार गुजराती में नवीन चेतना के प्रथम कालखंड को नर्मद युग कहा जाता है। उन्होंने गुजराती साहित्य को गद्य पद्य सभी दिशाओं में समृद्धि प्रदान की, परंतु काव्य के क्षेत्र में उनका स्थान विशेष है। लगभग सभी प्रचलित विषयों पर उन्होंने काव्य की रचना की है। महाकाव्य और महाछंदों के स्वप्नदर्शी कवि नर्मद का व्यक्तित्व गुजराती साहित्य में अद्वितीय है। गुजराती के प्रख्यात साहित्यकार मुंशी ने नर्मद को अर्वाचीन के आद्य कहा है। नर्मद के नए विषयों पर पद्य और गद्य में रचना की प्रकृति, स्वतंत्रता आदि विषयों पर आद्य कहा जाता है। तो चलिए हमारी बुक में हमें कौन सी जानकारी दी है वो देखें। अर्वाचीन गुजराती कविता के आद्य पुरुष में नर्मद का नाम आता है। गुजराती साहित्य को सबसे पहले अर्वाचीनता का रंग इस कवि ने लगाया। उसकी कविताएं रोमांचक हैं। इतना ही नहीं, उनका जीवन भी रोमांचक था। उनका जीवन छोटे बड़े साहस और पराक्रम से भरपूर है। उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। जीवन को मुश्किल में डाल के सतत 20 साल तक इस वीर सुधारक ने समाज के सुधार लाने का प्रयास किया। समाज में से असमानता, वहम, कायरता और जड़ता को दूर करके उसकी जगह ज्ञान और विचार युक्त वर्तनों को फैलाने का प्रयत्न किया। नर्मद के जीवन का मूल तो विचार, वाणी और वर्तन का ऐक्य है। वह जो करता था उसका अमल अपने खुद के घर से करता था। ज्ञाति के जंगली रिवाज को दूर करने का प्रयत्न उसने अपने यहाँ से किया। मार खाने का भय छोड़कर जदुनाथ महाराज के सामने विधवा विवाह की बात करने गया और एक विधवा से शादी करके स्वयं जो मानता था उसके प्रत्यक्ष प्रमाण दी, सबूत दिया। नर्मद के बचपन की पढ़ाई सूरत में और माध्यमिक शिक्षा मुंबई में हुई। एक साल कॉलेज में अभ्यास करके वतन में आकर घर संसार शुरू किया। पत्नी की मृत्यु हुई, फिर मन के अनेक तरंगों ने उसे शांति से बैठने नहीं दिया। इस समय के दौरान वे पाठशाला में शिक्षक की नौकरी करते थे, पर मन में शांति नहीं थी। इतने में कवि धीरा के पद उन्होंने पढ़े।
पर पद पढ़ते ही मन में शांति होने लगी। उन्होंने स्वयं दो पदों की रचना की। इन पदों की रचना होते ही नर्मद को यह महसूस हुआ कि उनका सर्जन कवि बनने के लिए ही हुआ है, पर कवि बनने के लिए पिंगल का अभ्यास करना पड़ता था। उस समय में गुजराती में पिंगल शास्त्र नहीं था। नर्मद ने बहुत ढूंढा, अंत में छंद रत्नावली नामक एक प्रति एक मजदूर के घर में मिली। सतत 2 साल तक अभ्यास किया। मन में कमल के खोले यानी गोद में सर रखकर जीने का निर्णय लिया। नर्मद ने यह व्रत 24 साल तक निभाया। कई बार घर के बीमार स्वजन के लिए दवा के पैसे भी नहीं होते थे, सिर्फ चार आने में दूध पोहे खा के भी चलाया था। बहुत दुखद प्रसंग आए, पर किसी के आगे दीन बनकर भीख न मांगी, दीन बनकर गरीब बनकर। नर्मद की इस शक्ति से गुजराती काव्य को बहुत बड़ा फायदा हुआ। सच्ची और अच्छी कविताएं किसे कहते हैं, वह नर्मद ने बताया। उन्होंने कहा कि कविता को तो अंतर की गहराई में बसी संवेदना से प्रकट होती है। ऐसी संवेदना को उन्होंने जुस्सा जैसा नाम दिया। उन्होंने कविता को मध्यकालीन विषयों के बंधन से छुड़ाया। कविता के नए विषय में अब सुधार, स्वतंत्रता, प्रकृति तथा प्रणय जैसे विषय आए। व्यक्तिगत आशा, निराशा या सुख दुख के भाव भी वे कविता में डालते थे। गुजराती भाषा में महाकाव्य लिखने का प्रथम प्रयत्न किया। महाकाव्य के लिए विश्वरुत नाम का नया छंद भी बनाया। प्रकृति को काव्य का विषय बनाने वाले ये प्रथम कवि हैं। उनके काव्य में वर्षा, चांदनी, चंद्रोदय ऋतुओं के काव्य है। प्रकृति के साथ प्रणय प्रेम को काव्य में लाने वाले ये प्रथम कवि थे। प्रीति, आश, परवशता, मित्रता जैसे नए नए विषय कविता में आते गए। एक सच्चे वीर पुरुष की अनेक उच्च खासियत उनके व्यक्तित्व में थी। उस भावना का स्वच्छ प्रतिबिंब हमें उनकी कविता में मिलते हैं। गद्य क्षेत्र में नर्मद का प्रदान ज्यादा सत्व वाला है। शुद्ध साहित्य तत्व की दृष्टि से गुजराती गद्य का पिता नर्मद है। उन्होंने अंग्रेजी उदाहरण के ऊपर से निबंध, चरित्र, नाटक, विवेचन ऐसे साहित्य के अनेक प्रकार लिखे हैं। जीवन के अंतिम वर्षों में गुजराती भाषा का शब्दकोश तैयार करने का काम उन्होंने किया है। उनके निबंध नर्मद गद्य संग्रह में है, जिसे पढ़कर नर्मद के हृदय का उत्साह और स्वस्थ पक्व बुद्धि दोनों का पता चलता है। नर्मद ने मारी हकीकत नाम से आत्मकथा लिखी है। उसमें थोड़ी भड़ास वाली बातों का वर्णन है, साथ में निर्दोषता और सत्य कथन भी है। गुजराती भाषा को अनेक चिरंजीव कृतियों देने वाले इस महान कवि की मृत्यु 1886 में हुई थी। ऐसे थे गुजराती साहित्य के कवि नर्मद।